लिली, सुख शांति का प्रतीक। ये व्हाइट कलर के फ्लावर कितने प्यारे लग रहे हैं देखने में। जितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं ये, उसके साथ साथ इनके हमारे जीवन में भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि दोस्तों ये एक ऑक्सीजन रिच प्लांट है और इसे हम इंडोर रख सकते हैं। तो ये देखिए फ्लावर इनके कितने प्यारे और कितने खूबसूरत लग रहे हैं बारिश के पानी में नहा के। ये प्लांट इंडोर ब्राइट लाइट में काफी अच्छे से सर्वाइव करता है। अगर आपके बालकनी में धूप नहीं आती है तो वहां पे भी रखेंगे तो ये काफी आसानी से चलेगा। इस बात का ध्यान रखिए कि इनको प्रॉपर ब्राइट लाइट मिलनी चाहिए, बिल्कुल अंधेरे वाली जगह पे इन्हें बिल्कुल ना रखें, नहीं तो ये फ्लावरिंग नहीं करेंगे। ये फ्लावर का टाइम स्प्रिंग सीजन के बाद से शुरू हो जाते हैं, उसके बाद इन प्लांट में फ्लावर आने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये मेरा जो फ्लावर है ओल्ड हो चुका है। ये जैसे जैसे ओल्ड मेच्योर होगा ग्रीन कलर का ट्रांसफर होता जाएगा, उसके बाद ये बिल्कुल प्रॉपर ग्रीन कलर हो जाएगा। तो इसमें से मैंने दो तीन फ्लावर कट करके हटा दिए हैं क्योंकि वो ग्रीन हो गए थे, स्पेंट हो गए थे। तो जैसे ही आपके फ्लावर स्पेंट हो जाए उनको स्टॉक के साथ कट करके हटा दे ताकि जो बाकी फ्लावर है वो अच्छे से हेल्दी रह सके। हम यहाँ पे बात करें कि इतने अच्छे फ्लावर लेने के लिए हम पीस लिली में ऐसा क्या करें कि इनमें बहुत सारे फ्लावर एक साथ आए। तो इसके लिए दोस्तों मैंने पहले भी इसके साथ वीडियो शेयर किया है, इसके लिए हम बनाना पील का यूज कर सकते हैं 15 या 1 वीक के गैप पे, या फिर जो बनाना के चिप्स होते हैं आप बनाना के छिलके ले, धूप में सुखा दे, प्रॉपर ड्राई कर ले, उसके बाद क्रश करके इसके मिट्टी सॉइल में अंदर दबा दे। ऐसे करने से कुछ ही दिनों में आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा अपने प्लांट पे। दूसरा पॉइंट, इनकी पत्तियां हमेशा क्लीन करके रखें, दिन में एक बार इनको मिस्टिंग जरूर करें, इससे ह्यूमिडिटी बनी रहेगी और प्लांट को काफी एडवांटेज मिलेंगे इससे। थर्ड पॉइंट, इनकी वाटरिंग का खासकर ध्यान रखें, सॉइल ड्राई होने के बाद ही इनको वाटरिंग दे। अगर ऊपर की एक इंच तक लेयर हल्की सी ड्राई हो जाए तो ही इनको दोबारा से पानी दे। अगर हम ज्यादा पानी देंगे तो इनका प्लांट का रूट रॉट हो जाएगा और इनके जड़ें खराब हो जाएंगी, तो हमारा प्लांट बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। तो खासकर दोस्तों पानी का बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है पीस लिली के प्लांट में। इनकी प्रोपागेशन की बात करें तो हम इन्हें डिवाइड करके बड़े आसानी से एक से बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। तो अभी रेनी सीजन आने वाला है तो इनमें आप अपने प्लांट को डिवाइड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कर दे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दे, एंड प्लीज सपोर्ट मी। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।